नहीं। अरे हटो बीच में से। जब देखो तब भौरा बनकर मेरी फूल जैसी बहनों के ऊपर मंडराते रहते हो। इन्हें लाइन में खड़े करके क्या सिखा रहे हो? तुमने तो कहा था जाकर डांडिया खेलो, तो इन्हें बॉडी डांडिया सिखा रहा था। बॉडी डांडिया कैसे खेलते हैं? पहले तुम्हारी बहन दोनों हाथ ऐसे रखेगी, फिर ऐसे ताली दूंगा, फिर ऐसे ताली दूंगा, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, और फिर... आज के दिन के लिए इतना डांडिया बहुत हो गया, इतनी दूरी से बच गया। अगर डांडिया लग जाता तो न जाने क्या होता। अरे क्यों अपने स्वर्गवासी बाप का और जिंदा भाई का नाम खराब कर रही हो? ऐसा क्या हो गया कि माता मना रहे हो? इट्स जस्ट डांडिया। तुम्हारे जस्ट में मुझे लस्ट की बू आ रही है। ए, तुम मार जाओ। चलो प्यारे बाहर खेलते हैं। ये क्या कर रही है? चमाट लगाऊंगा। निकल निकल। ये छोटी सबसे खोटी है। चल निकल। पता नहीं सबको क्या हो गया। चल मुझे सिखा डांडिया। मेरा मूड नहीं है। ए, बहाने वाने मत बना। मेरी बहनों को सिखाते वक्त तेरा मूड अच्छा था। चल मुझे सिखा। पहले ऐसे ताली दूंगा, दी। फिर ऐसे ताली, ये भी दी। फिर ये होगा, फिर वो। अबे ये क्या हो गया चिरकुट? ए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तूने मुझे जानबूझ के गिराया। चल निकल यहाँ से। फोटो वालों को जानते हो? कहीं देखा है इसको? नहीं नहीं देखा। कभी नहीं? कभी। इसको पहचानता है क्या? नहीं सर। नहीं इसको कहीं नहीं देखा। नहीं साहब, इसको कहीं नहीं देखा। सर यहाँ पे किसी ने नहीं देखा। ये कर क्या रही है? जल्दी आओ, क्या कर रहा है चिरकुट? मेरे कूदने से पहले बीच में आ गया। क्या कूदने से? तुम मेरी बहनों के साथ कूदम कूदी क्यों खेल रहे हो? और कोई खेल नहीं मिला तुम्हें? तुमने तो कहा था बाहर जाके खेलो, इसलिए हम यहाँ आकर घोड़ा घोड़ी खेल रहे थे। अबे शाने गधे, तू घोड़ा घोड़ी खेल रहा था? सांप सीढ़ी लूडो भूल गया है क्या? वैसे ये खेल खेलते कैसे हैं? सामने वाले को नीचे झुकाने का और दूर से दौड़कर आकर उसमें छलांग लगाने का। तुझे घोड़ी बनाने के लिए मेरी बहन ही मिली थी, कहीं तेरा पंजा पास आते वक्त लग गया तो? और तुम लोग हमेशा इसकी बातों में आकर इसके पीछे चल देती हो। घुटनों में अकल है क्या तुम्हारी? तू क्या एक पंच? क्या भैया, आप कभी भी हमें प्यारे के साथ खेलने नहीं देते। 24 घंटे इसके साथ खेलने के लिए ये कोई वीडियो गेम नहीं है। ये तो कभी नहीं थकता। टीवी पर कुकिंग का प्रोग्राम चल रहा है, बड़े सीताफल की खीर कैसे बनती हो सिखा रहे हैं। जाओ सीखो, जाओ निकलो, भागो यहाँ से। चिरकुट, सीताफल की खीर कैसे बनाते हैं मुझे आती है, उन्हें सिखा के आऊं क्या? दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो तुझे नहीं आती? अब मेरे मूड की माँ मत कर, मेरा खेलने का मूड है। चल नीचे झुक जा। मैं नहीं झुकने वाला। माँ को बुलाता हूँ। आंटी, अब माँ को अपने परिवार के लिए कुर्बानी तो मुझे ही देनी पड़ेगी। इमोशनल टॉर्चर मत दे, चुप जा। अबे ठर की पी ले। तुम आओ तो सही, जैसे ही तुम मेरी तरफ आएगा मैं हट जाऊंगा, तुम मुंह के बल गिरेगा और मैं हंस हंस के मजे लूंगा। अबे ठर की पानी पी ले, नहीं तो आज मैं तुझे भगा भगा के पानी पिलाऊंगा। ऑपरेशन सेक्सी फूल। सर्जन बन रहा है। झुक के क्या कर रहा था जो बैल ने यहाँ सींग मार दिया? मैं जूतों की लेस बांध रहा था। हर रोज एक नई मुसीबत, थक गई हो तुम दोनों से। जख्म पर नमक छिड़कने के बजाय मरहम लगाओ, पंच पे पंच मत मारा करो। जाओ
हल्दी वाला दूध लेकर आओ। कपड़ा होगा ये, यहाँ बैल ने मेरा पुल तोड़ दिया और तुम वहाँ मेरी बहनों के साथ झूल रहे हो। प्यारे बोलो स्नेहा, भैया को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? छोटी को कितना ख्याल है मेरा। सूजन देखकर तो लगता है ये 2-3 दिन तक रिटायर्ड है। तो फिर सोच क्या रहे हो? इसीलिए मेरी फिक्र हो रही थी। गुदी गुदी कैसे करते हैं तुम, सिखाने वाले थे ना? चलो बेडरूम में चलकर सिखाता हूँ। चलो चलो। मुझे अपने घर में बेडरूम ही नहीं बनाने चाहिए थे, पता नहीं अंदर वो कैसे कैसे गुल खिलाएगा। सर हमने चप्पा चप्पा छान मारा, वो लोग कहीं नहीं मिल रहे हैं। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं होने चाहिए। सुनो, यहाँ के हर इलाके के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स, पब्लिक प्लेसेस, होटल्स, लॉजेस, सब जगह अपने आदमी भेजो और ढूंढ निकालो उन्हें। मुझे वो दोनों जिंदा चाहिए। स्वामी जी का फोन आया। अच्छा, पता नहीं अचानक उन्होंने फोन करके क्यों बुलाया। ठीक है बेटा, तुम जाके आओ, मैं पूजा का सामान ले लूं। क्या भाई, अपने को कोर्ट जाने का और आप यहाँ पर भगवान के दर्शन कर रहे हो? अपन ने मन्नत मांगी है कि अगर भैया को कोर्ट ने जमानत दे दी तो सिर मुंडवा दूंगा। अगले पे आप अच्छे नहीं लगोगे भाई। ए, कौन बोला अपन खुद का सिर मुंडवाएंगा? ऐसा क्या भाई, अपन किसी और का सिर तो मुंडवा ही सकता ना। जो पहले 3 आदमी मंदिर की घंटी बजाएंगे अपन उनका सिर मुंडवाएंगे। हजामत लेने क्या? अरे चलिए, क्या कर रहे हो? मुझे कटना क्यों करवा रहे हो? मेरी शादी होने वाली है। चलो अब देखते हैं दूसरा बकरा कौन आता है। बच्ची बच गई, ले आओ उसे। बाय। भाई ने बुलाया तेरे को, चल चल रे। चलाता हूँ। क्या बे हीरो, बहुत छाना समझता अपने आपको, टकला करे इसको। इसलिए अपने अपने भाई की जमानत के लिए मन्नत मांगी है कि दूसरे लोगों का सिर मुंडवाऊंगा। अगर वो तेरा भाई है तो तू अपना सर क्यों नहीं मुंडवाता? मैं क्यों मुंडवाऊं? भाई ये कुछ ज्यादा ही छाना बन रहा है। Huh?
जानता नहीं अपन कौन है। शतरंज के खेल में नजर खिलाड़ी पर नहीं, उसकी चाल पर होनी चाहिए। गायत्री, गायत्री क्या हुआ? सो गया। ए, उल्टियां क्यों कर रही हो? कहीं उल्टा सीधा तो कुछ नहीं कर लिया ना तुमने? कुछ बोलेगी भी? सुबह से चीमा चल रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। सुबह से उल्टियों पे उल्टियां हो रही है। मन कर रहा है जैसे कुछ खट्टा खाओ। प्यारे के साथ खेलते खेलते पता नहीं क्या हो गया भैया। मुझे पता कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुझे। मैं हूँ इसका जिम्मेदार। तेरी तो मैं भी उसकी जिम्मेदार हूँ भैया। इसमें इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहा है? मामला भी तो ओवर हो चुका है। एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे बिन ब्याही बहनों के बच्चों का मामा बनने का कोई शौक नहीं है। भैया मैंने बहुत इनकार किया था, पर प्यारे मेरी सुनता कहाँ है? मैंने इसे कुल्फी खिलाई पर वो फटे दूध से बनी थी, उसके बाद इसकी उल्टियाँ शुरू हो गई और तुम मामा बनने चले। कुल्फी खाई थी तेरी की? मैंने सोचा खट्टा खाने वाला चक्कर है। हाँ तू भी पंच मार ले। अगर ऐसा कोई चक्कर होता, अगर इसका हाथ थामने के लिए कोई तैयार नहीं होता तो मैं तो तैयार ही था ना। अबे गाय की गोबर की शक्ल वाले, तेरी खुद की तो मांग है नहीं और तू मेरी बहन की मांग में सिंदूर भरेगा साले। उसे भी उल्टी हो रही है क्या? अरे टेंशन मत लो, आज उसका बर्थडे है और वो अपने बर्थडे पार्टी के लिए जिद कर रही है। अच्छी बात, जरूर इसने सिखाया होगा। देखो चिरकुट, मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया। पता नहीं कौन से मुहूर्त पर इसने घर में कदम रखा था। एक उल्टी कर रही है, दूसरी बर्थडे पार्टी की जिद कर रही है, न जाने तीसरी का क्या होगा इस घर में। क्या रे चिरकुट, आज कितनी खुशी का दिन है और तू इतनी बेहुदा बातें करता है। चल पिछली बातें भूल जाते हैं और उसका बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं। फंक्शन तो होना चाहिए। फंक्शन? गाँव में ढिंडोरा पिटने की जरूरत नहीं, सबके सब मुफ्त खोर है। घर की बात घर में रहने दो, दूध की खीर बना दो और उसे हैप्पी बर्थडे विश कर दो। जाओ 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 जाओ। आंटी ये बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है और आप इसकी हाँ में हाँ मिलाए चले जा रहे हो। हम उसका बर्थडे मनाएंगे और आजू बाजू के गांव वालों को भी बुलाएंगे। अब आप ही सोचो, जब इतने लोग फंक्शन में आएंगे तो हो सकता है बड़ी वाली के रिश्ते की बात हो जाए। लगे तो इसके हाथ भी पीले हो जाएंगे। अगर चिरकुट की बात सुनोगे ना तो ये घर में बड़ी बड़ी बुड्ढी हो जाएगी। तुमने सच कहा बेटा, पता नहीं इन तीनों की शादी कब होगी, कब इनके बच्चे होंगे और कब मुझे नानी बनने का सुख मिलेगा। तुम चाहती हो बच्चे तुम्हें नानी कहे? हाँ। गली के नुक्कड़ में ही नर्सरी स्कूल है, वहाँ के बच्चे तुम्हें नानी बुलाया करेंगे। जाओ अंदर जाओ जाओ। आंटी आप इसे बात करके टाइम खोटी मत करो, हम कल ही फंक्शन रखते हैं, तैयारी का सारा जिम्मा मेरा, आप अपने खानदान को बुलाओ बस। ठीक है चलो। चिरकुट खर्चा पानी तो उठा लियो। मेरी माँ और बहनों के साथ मिलकर अपने दिल के अरमान पूरे करने के लिए ये गांव वालों को खिलाकर मुझे गधा बनाना चाहता है। लेकिन एक बात याद रख, मैं एक ही दिन में बदल दूंगा तेरी ये चार दिन की चांदनी।